जींद पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश विनय को काबू करने में कामयाबी हासिल की। बता दें, आरोपी विनय ने सुप्रीम स्कूल के मालिक बब्बल की गोली मारकर हत्या कर दी थी और तब से पुलिस को आरोपी की तलाश थी। इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी रामभज व डिटेक्टिव स्टाफ इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया, जो कि नहर पटरी पर शहर की तरफ से टेंडरी मोड़ की तरफ पैदल आ रहा था। सूचना मिलते ही डिटेक्टिव स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, तो इस पर पुलिस ने आरोपी पर फायर किया। डिटेक्टिव स्टाफ ने अपनी जान की परवाह किए बिना आरोपी विनय को पकड़ लिया। पुलिस को उसके कब्जे से एक नाजायज पिस्तौल व एक जिंदा राउंड भी बरामद हुआ है। कल हमारी डिटेक्टिव स्टाफ की टीम एएसआई सुरेंद्र के नेतृत्व में हांसी रोड पर पेट्रोलिंग पर थी, तो उनको सूचना मिली कि सुप्रीम स्कूल के संचालक बब्बल की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी विनय बदमाश, जो कि 50,000 का इनामी बदमाश भी जिस पे डिक्लेयर किया हुआ था इनाम, वो वहाँ उसकी सूचना मिली थी, जो टीम को देख के उसने हमारी टीम के ऊपर फायरिंग कर दी, तो टीम ने बड़ी मशक्क़त के बाद उसको काबू किया, जो कि हमारी इस मुकदमा में मर्डर के मुकदमा में तो मुख्य रूप से वांटेड था ही। इसके अलावा इसके ऊपर अलग अलग 5 मुकदमे और भी दर्ज हैं, जो कि अलग अलग थानों में हैं, जो कि 3 मुकदमों में अभी वांटेड था, बाकी में गिरफ्तार भी हो चुका था। इसके कब्जा से एक नाजायज पिस्तौल, एक जिंदा राउंड व एक खाली खोल भी बरामद किया है, और इसी मुकदमा में जो इसका सहयोगी था बिट्टू, वो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, ये कल गिरफ्तार हुआ है इस मुकदमा में, इसको जो है इससे पूछताछ अभी की जा रही है। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि जुलाई माह में उसने अपने साथी बिट्टू के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी के सामने सुप्रीम स्कूल के मालिक बब्बल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया है, ताकि अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सके। जानकारी के अनुसार सुप्रीम स्कूल के मालिक बब्बल मर्डर में शामिल आरोपी बिट्टू को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।